दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को हम कमल का फूल दिखाएंगे। जब कमल का फूल खिलता है उसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो हमारे पास खिला हुआ फूल नहीं है फिलहाल, हमारे पास लोटस बड यानी कि कमल का फूल जो है हमारे पास तो है लेकिन वो खिला हुआ नहीं है। उसकी एक एक पंखुड़ी को हम ओपन करेंगे और फिर अंदर देखेंगे क्या क्या निकलता है। तो आप लोगों ने इस फूल को देखा होगा आपके यहाँ, जैसे कोई बड़े बड़े तालाब हो जाते हैं, तालाबों में होते हैं, उनके पत्ते जो होते हैं बड़े बड़े। तो पहले क्या करते थे लोग जो है गांव में, जैसे आजकल जो पत्तल चलते हैं, थर्माकोल के भी पत्तल आते हैं, प्लास्टिक के भी पत्तल आते हैं खाना खाने के लिए, शादी मुंडन या हर कोई भी त्यौहार होता है तो उसमें जब समाज या परिवार रिश्तेदार सभी को जब बुलाया जाता है तो उनका उपयोग किया जाता है। पहले क्या करते थे, पहले ढाक एक पेड़ बोला जाता था, उसके पत्ते के पत्तल बनाते थे और उससे मतलब, और इसकी जगह पर जैसे केले के पत्ते पर खाना खाना, और जैसे कमल का फूल जैसे कहते थे कमल गट्टा, और इस प्रकार से इनके जो पत्ते होते थे बड़े बड़े गोल गोल, और इन पर जो है खाना खाया जाता था। और आज क्या है, वो जो खाना है जैसे आपके फाइबर के हो गए और प्लास्टिक के हो गए, इन पर खाना खाया जाता है। तो हम आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं आप लोगों को कमल के फूल के अंदर क्या क्या निकलेगा। तो वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक देख लीजिएगा। फिलहाल आप लोगों को बता दें हमारा नाम है संदीप कुमार, आप देख रहे हैं एसके गुरु ब्लॉग चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पास देख सकते हैं ये लोटस बड हैं, इसमें से हम एक को हम ओपन करेंगे जो इसमें पेटल्स लगे हुए हैं, तो इनको हम ओपन करेंगे बारी बारी से इस तरीके से। और जितने भी ये हैं पत्ते के जैसे दिखाई पड़ रहे हैं ये सब फूल हैं, तो फूल को हम ओपन कर लेते हैं जैसे कहते हैं कमल का फूल, इस तरीके से ओपन करते हैं। बहुत ही सुंदर ये लग रहा है देखने में। अब इसके अंदर भी जिसके अंदर बीज बनते हैं यानी कि जिसे आप लोग गांव में सुनते होंगे या नाम जानते होंगे कमल गट्टा के नाम से, तो जिसके अंदर सीड होते हैं आप लोगों ने सुना होगा ताल मखाना, तो ताल मखाना जो बनते हैं इन्हीं के बीजों से बनाए जाते हैं, जो बीच में येलो कलर का लगा हुआ है इसी से जो है, इसी के अंदर सीड होते हैं। लगभग 10 या 12 सीड निकलेंगे जब इसे हम कट करते हैं, कट करने के बाद इसमें से जो है 10-12 सीड निकलेंगे। वो जब पक जाते हैं तो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाते हैं, अगर कच्चे होंगे तो हरे रंग से दिखाई पड़ेंगे। ये है अंदर का पोर्शन जो निकला हुआ है, ये जब इनकी पंखुड़ियों को तोड़ देंगे तो पूरी तरीके से इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसको हम जब पूरी तरीके से कट करते हैं, कट करने के बाद इसके अंदर देखेंगे पूरी तरीके से सीड निकलेंगे, वो भी सीड अभी कच्चे होंगे बिल्कुल वाइट वाइट कलर के इस समय इसमें थे, और जब पकने के बाद हैं ये पूरे ब्लैक कलर के हो जाएंगे। फिर इनको जो है भुना जाता है, भुने पर ये चिटकते जब हैं जैसे लाई बनाई जाती है, फिर उसके बाद ये ताल मखाना बन जाते हैं जो हम लोग खीर बनाने में उपयोग करते हैं। फिलहाल कमल के अंदर यही सब कुछ देखने को मिलता है। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पहली बार देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।